जिस स्थान पर प्रबुद्ध जन निवास करते हैं, उस स्थान पर निवास करना आत्मिक उत्थान के लिए कितना सहायक होता है और उनके संघ में सम्मिलित होना कितने सौभाग्य की बात है। इस बात की ओर संकेत करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, गांव हो या वीरान, पठार हो या मैदान, आनंदपूर्ण है वह स्थान जहां बुद्ध का निवास है। बुद्ध का प्रकट होना आनंदमय है, सच्चे धर्म पर उनका प्रवचन आनंदमय है, संघ में मिलजुल कर रहना आनंदमय है, और आनंदमय है संघ के प्रेमपूर्ण वातावरण में रहकर आध्यात्मिक अभ्यास करना। दूसरी ओर मूर्खों की संगति में रहने से प्रतिकूल प्रभाव होता है और दुख कष्ट बढ़ जाते हैं। आर्यजनों का दर्शन करना और उनकी संगति में रहना सदैव आनंदपूर्ण है। जिसका मूर्खों से पाला नहीं पड़ता वह सदा सुखी रहता है। जो मूर्खों की संगति करता है वह लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों का संग शत्रु के समान सदैव कष्ट देने वाला होता है, जबकि विवेकी मनुष्य का संग बंधुजनों से भेंट होने के समान आनंद देने वाला होता है।